फ्रेंड्स, मैं हूं सदफ और आज है 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे। और ये इंटरनेशनल वुमेन डे आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। तो वहीं आज मैं मौजूद हूं गुरुग्राम में, जहां मीरा एड्रा आई है। मीरा एड्रा को आप लोग जानते ही होंगे, वो F4 रेसिंग की फर्स्ट पार्टिसिपेशन थी। सो आज हम उनसे बात करेंगे और इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर उनसे कुछ जानेंगे वुमेन्स के लिए कोई नई बात। और ज़्यादा हेल्प कर सकूँ एंड मोटर स्पोर्ट्स में वुमेन को और ज़्यादा ला सकूँ। मतलब इंटरनेशनल बात करें हम तो वहाँ पर भी आपने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। yes. तो यहाँ से जो गर्ल्स अगर जाएंगे yeah. तो उनके लिए किस तरह का एक अलग से पैम्परिंग होएगा आपकी तरफ से, कैसे क्या रहे? वेल, बींग अ रेसर आई वुडंट से कि यू नो पैम्परिंग करूँगी बिल्कुल। आई विल बी ऑलवेज देयर टू हेल्प देम आउट, बट इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो लोग खुद अपने आप पे इम्प्रूव हो, कुछ सीखे। बिकॉज मैं थी वहाँ पे, आई वॉज देयर अलोन एंड मैंने खुद सीखा है एंड यू नो दैट्स द रीज़न कि मैं इतना इम्प्रूव कर सकी हूँ। सो आई डोंट वॉन्ट देम कि वो लोग यू नो उनको स्पून फीडिंग हो, उनको भी उतना ही ज़्यादा सीखना है और उनको भी उतना ही ज़्यादा इम्प्रूव करके और आगे बढ़ना है। आई वुडंट से कि यू नो मोटर स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे लोग कभी हेल्प करेंगे ना, स्टिल खुद एक रेसर को अपने आप में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, मोटिवेट हो रहे खुद रखना चाहिए अपने आप को, सो दैट वो और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। हाँ, आज आप क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि एक सक्सेस वुमेन के लिए हमेशा इंस्पायरिंग होती है, एक आम लड़की के लिए भी। तो जो लोग बेचारे अपने टैलेंट को आगे पेश exactly. करते हैं कुछ, क्योंकि उनके पास अर्निंग नहीं होते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनके लिए क्या? वेल, मैं 9 साल की थी तब से मैंने रेसिंग स्टार्ट किया एंड लकीली मेरे पेरेंट्स भी वेरी सपोर्टिव, बट सब लड़कियों के ऐसे नहीं होते हैं। एंड आई वुड से कि यू नो इंडिया एक ऐसा सोसाइटी है जहाँ पे लड़कियों को अभी अभी वुमेन एम्पावरमेंट, वो भी सिर्फ बोलने के लिए, कोई कुछ करता नहीं है ज़्यादा। सो आई वुड से एंड आई डोंट बिलीव इन वुमेन एम्पावरमेंट, आई बिलीव इन सेल्फ एम्पावरमेंट। क्योंकि अगर लड़कियों को कुछ करना है तो वो लोगों को खुद बाहर निकल के करना पड़ेगा। लोग आके तो सिर्फ सपोर्ट करेंगे उन लोगों को, उनको बोलेंगे हाँ ठीक है हम हैं, बट जब उनको रियली में ज़रूरत होती है तब कोई नहीं आता। सो दैट्स द थिंग, यू नो वी हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड आई बिलीव इन दैट यू नो अगर हमें कुछ चाहिए, आई डोंट लेट एनीवन टेक डिसीजंस फॉर माई सेल्फ, आई टेक डिसीजंस फॉर माई सेल्फ। मुझे जो करना है मैं वही करूँगी, लोगों का सुनूंगी एंड देन मुझे जो समझ लगता है, मुझे जो ठीक लगता है वही करूँगी। एंड आई ऑलवेज फाइट फॉर दैट, जो लोग बोलेंगे इट डजंट मैटर, यू नो लोगों का काम है बोलना। सो आई वुड जस्ट से टू ऑल द वुमेन आउट देयर, उनको जो पसंद है वो करो इंस्टेड ऑफ व्हाट सोसाइटी एक्सपेक्ट्स यू टू डू। एंड यू नो अगर तुम लोग खुद अपने आप को एक बार प्रूव करोगे, अपना एक लेवल मेंटेन करोगे, देन ऑब्वियसली सोसाइटी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे उनको जहाँ पे भी अच्छा लगेगा ना तब जाके सपोर्ट करेंगे, तब तक कोई सपोर्ट नहीं करेगा। सो इट्स ऑल अबाउट यू। बिकॉज येस बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं वुमेन को, बट सिर्फ आधे टाइम पे। मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव टू फाइट फॉर आर सेल्व्स एंड लोग वहाँ पर भी क्रिटिसाइज करते हैं बिटवीन मैन एंड वुमेन। सो दैट स्टिल नीड्स टू इम्प्रूव एंड वो लड़कियाँ खुद चेंज कर सकती है, कोई आके उनको हेल्प नहीं करेगा। एंड लोगों को जब तक दिखेगा नहीं कि नहीं ये लड़की में कुछ है बात, तब तक वो कोई इम्प्रूव कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा मेरी बात। सो वी ऑलवेज हैव टू फाइट फॉर आवरसेल्फ्स एंड आई रियली होप कि जैसे लेवल पे स्लो बढ़ रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आई रियली होप कि और कुछ साल में और ज़्यादा हो एंड दूसरी कंट्रीज़ की तरह एक्चुअली में इंडिया में भी कुछ यू नो वुमेन अपने आप को प्रूव कर सके उसमें। थैंक यू सो मच। हाई, माई नेम इज़ मीरा एडा एंड आई एम इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल फॉर्मूला 4 BMW racer and I have been racing since last 8 years. तो मैम आज वुमेन्स इंटरनेशनल डे है, सो उस पर आपका फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहना?
वेल वुमेंस इंटरनेशनल डे आई वुड बिलीव कि हर दिन होना चाहिए, एक स्पेशली दिन नहीं होना चाहिए कि वुमेन को रिस्पेक्ट करो, वुमेन को इनक्रेज करो. इट हैज़ टू बी एवरी डे. एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आज जो रेड बुल कैचअप है उसमें लोग वुमेन और ज़्यादा इंकरेज हो एंड दे एक्चुअली कम आउट एंड रेस वेल. आपको क्या लगता है हमारे इंडिया में कब महिलाएं मतलब आगे बढ़ रही हैं जहाँ, तो वहीं कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी महिलाएं जो सिमट के रह जाती हैं, बहुत सी मुसीबतें उनके सामने आ जाती हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सब लेडीज़ को, सब वुमेन को यही कहना चाहती हूँ दैट यू नो लोग बोलते रहेंगे एंड सोसाइटी वैसी है इंडिया में जहाँ पर लोग हमको पुल डाउन करेंगे. सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपनी लाइफ के लिए कुछ अच्छा करें एंड अपने लिए कुछ अच्छा करें, जो हमें पसंद है वो करें एंड वी हैव टू फाइट फॉर इट. कुछ भी आसानी से मिलने नहीं वाला है एंड स्पेशली इन इंडिया इट इज़ नेवर गोना बी पॉसिबल. सो वी ऑलवेज हैव टू बिलीव इन आवर सेल्व्स एंड मेक श्योर कि हम लोग हमें जो चाहिए उसकी खुशी के लिए लोगों से फ़ाइट करके प्रूव करें, क्योंकि जब तक हम प्रूव नहीं करेंगे लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे. जो गर्ल्स कमज़ोर समझती हैं अपने आप को, आगे बढ़ नहीं पाती हैं, लाइक आप इतना आगे बढ़ गए हो, लेकिन हर जगह ये चीज़ नहीं होती है, हर कोई फैमिली इतना सपोर्ट नहीं करती, तो उनको क्या कहना चाहूँगा? वेल मैं तो यही कहूँगी दैट कोई भी यहाँ पे कमज़ोर नहीं है, सबका कुछ ना कुछ यू नो प्लस पॉइंट रहता ही है. सो दे नीड टू जस्ट फाइंड दैट एंड अपने आप में जो एक स्पार्क रहता है ना वो फाइंड करना ही होगा. एंड आई बिलीव कि यू नो अगर हमारी फैमिलीज हमें सपोर्ट नहीं कर रही है एंड अगर हम लोग कुछ और करना चाहते हैं वी हैव टू स्टार्ट डूइंग इट. एंड यू नो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे उनको लगेगा नहीं यू नो उसको बहुत पसंद है और वो खुद कर सकती है कुछ, तो और ज़्यादा यू नो जैसे उनको पता चलेगा वो खुद ऑब्वियसली सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज यू नो फैमिली को यही चाहिए कि बच्ची का कुछ यू नो अच्छा हो. सो दे शादी हाँ सो ऑब्वियसली सब जो होता है इट्स ऑल अप टू देम कि वो लोग अपनी लाइफ कैसे जीना चाहते हैं. तो कोई मैसेज गर्ल्स के लिए आज वुमेंस डे उसके तौर पर? वेल आई वुड जस्ट से कि तुम्हें जो पसंद है वही करो, जस्ट हैव फन इन लाइफ, क्योंकि लोग हमारी लाइफ को बिगाड़ नहीं सकते ऐसे. कभी किसी को डिसीजंस मत लेने दो अपने आप के ऊपर एंड जस्ट गो फॉर इट. एवरीथिंग इज ऑल अबाउट वर्किंग हार्ड एंड जस्ट गोइंग फॉर इट. थैंक यू सो मच. कूपर. कहाँ से हैं? मुंबई, बॉम्बे. सो मीरा एडवे के साथ इस रेस में आपको पार्टिसिपेट करके कैसा लग रहा है? ओ शी समथिंग दैट शी इज़ रियली गुड, लाइक वी सॉ हर रेस ऑल्सो और उसको देख के मेरे को ज़्यादा रेसिंग करने का. आपका नाम? श्रद्धा कानेकर. श्रद्धा कैसा लग रहा है आपको अभी, मतलब अभी आप रेस करके आए हो तो कैसा फील हो रहा है? नाउ आई एम फीलिंग फाइन. माई फर्स्ट रेकर्ड वॉज 39 सेकेंड्स, नाउ आई केम टू 37.5. आई एम फ्रॉम मुंबई. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम रेसिंग इन स्मैश गुरगांव. So I'm now pretty much happy with my results for 37.5 seconds. So Meera Adra ne aapko bataya ki matlab race ke bare mein bahut sari cheeze batayi, to kaisa laga aap? She is extremely talented racer and I feel very honored to know from her various racing, I mean knowledge related to motorsport racing. I'm personally myself interested in motorsports a lot and she is inspiration for every Indian woman to go in motorsport racing and show that we can do this. And I really felt nice with her. She guided us really very well. आपका नाम? क्षमता यादव. मैम तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा लग रहा है आपको, मतलब रेस में पार्टिसिपेट करना? रियली रियली वंडरफुल, बिकॉज माई एज लेडी इज डूइंग सो इन्वॉल्व इन टू दिस, सो आई एम फीलिंग रियली ग्रेट.
देखा आपने, हमने मीरा एड्रेस से बात करी और द वुमन इंटरनेशनल डे पर उनका एक मैसेज है उन गर्ल्स के लिए जो आगे नहीं बढ़ पाती हैं, अपने लिए नहीं सोच पाती हैं। तो आज वुमन इंटरनेशनल डे है, अपने लिए सोचें, अपना हौसला बुलंद करें, आगे बढ़ें और देश को आगे बढ़ाएं। मैं सदफ खान, कैमरा पर्सन साकिब के साथ आर आई 24 न्यूज़, दिल्ली।